नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है एक और अपडेट के साथ। दोस्तों इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं री एडमिशन के बारे में। दोस्तों इस बार का री एडमिशन खासकर BA BDP प्रोग्राम, जो पुराने स्टूडेंट हैं BA BDP प्रोग्राम के, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी और लोग तो करवाएंगे ही री एडमिशन जिनका ड्यूरेशन ओवर हो चुका है, जो उनका मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया जाता है उसके बाद ये होता है री एडमिशन। तो दोस्तों BA BDP प्रोग्राम वाले स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से इस बार अपना एडमिशन री एडमिशन करवा लें, ताकि वो अपना कोर्स कंप्लीट कर सके। क्योंकि अगर आपका ड्यूरेशन ख़त्म हो चुका है, अगर आप री एडमिशन लेके अपना प्रोग्राम कंप्लीट नहीं करते हैं, तो अब वो उनका आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कोई क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम नहीं होने वाला उनका आगे। तो क्योंकि CBCS प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है बैचलर डिग्री में, उनका आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से री एडमिशन के बाद का भी, तो वो आगे अपना प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। वो उनको फिर से ही उनको BA बैचलर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना पड़ेगा, शुरू से करना पड़ेगा। तो दोस्तों BA BDP प्रोग्राम में जिन्होंने पुराने स्टूडेंट हैं जो एनरोल किए हैं, वो अपना री एडमिशन ध्यानपूर्वक करवा लें। बाकी जो MA मास्टर हैं, अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, वो भी करवा सकते हैं जिनका ड्यूरेशन ओवर हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपका रीएडमिशन आपको कराना है, कैसे स्टेटस चेक करना है उसका, ये सब बातें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट उनको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्म दिखाऊँगा, और फिर उसके बाद कुछ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखाऊंगा कैसे आप अपना चेक करेंगे। तो दोस्तों पहले आपने इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहाँ पे पहले आप जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक करते हैं, आपको पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल ओपन कर लेना है। आपको आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल ओपन करने के लिए आपको यहाँ स्टूडेंट सपोर्ट में जाइए और स्टूडेंट जोन में क्लिक करिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली भी आप जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, ये स्टूडेंट जोन खुला है, खुल गया दोस्तों। तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट विंडो ओपन होगा। यहाँ पे अपना आप नॉमिनेट नंबर और प्रोग्राम कोड डाल देंगे, और ये कैप्चा कोड डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस खुल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस खुल गया है। तो जैसे इनका जून 19 में ख़त्म हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एडमिशन वैलिड अप टू जून, एडमिशन वैलिड अप टू जून 19। इनका जून 19 में एडमिशन की डेट ओवर हो चुकी है। तो दोस्तों इनको लेना है री एडमिशन। री एडमिशन दोस्तों मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री के लिए 2 साल के लिए मिलती है, जो आपका सर्टिफिकेट प्रोग्राम है उसके लिए 6 मंथ का, और डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए आपका मिलता है 1 साल के लिए, आपका ड्यूरेशन ओवर होने के बाद, जो एडमिशन वैलिड अप टू लिखा रहता है उसके बाद का। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जैसे कि इनका तो मास्टर का है, इनका अभी जून 19 में ख़त्म हो रहा है, तो 2 साल इसमें ऐड कर दीजिए दोस्तों। आपका जब आपका मास्टर या बैचलर है, अगर आपका जब भी ख़त्म हो रहा है वैलिड जो अप टू लिखा रहता है वहाँ पे ड्यूरेशन, वो उसके में आपको 2 साल ऐड करना होता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जैसे जून 19 में ख़त्म हो रहा है, तो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट अगर री एडमिशन लेने के बाद, जो अगर अगर री एडमिशन ये लेते सितंबर में इनका री एडमिशन हो जाता, तो इनका दिसंबर 19 का एक अटेम्प्ट मिलता देने के लिए। लेकिन अगर इन्होंने नहीं लिया है तो इनका एक अटेम्प्ट का लॉस हो जाएगा दोस्तों। जैसे जिस जिस साल आपका ड्यूरेशन ख़त्म होता है, उस साल से आपका 2 साल काउंट होना शुरू हो जाता है। तो आप जिस साल आपका ड्यूरेशन ख़त्म हो, उसी साल अपना री एडमिशन लेके सारे अटेम्प्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखें, ऐसे जून 19 है तो इनको 2 साल का अटेम्प्ट मिलता है, तो जून 21 तक इनका वैलिड हो जाएगा। आगे जो बचे हुए सब्जेक्ट के लिए हमेशा री एडमिशन होता है, इस बात का भी ध्यान रखें कि जो री एडमिशन होता है वो बचे हुए सब्जेक्ट के लिए होता है। तो जो जैसे कि आपके 2 या 3 सब्जेक्ट बच जाता है, तो उनके लिए आप री एडमिशन ले लेते हो, तो वो 2 साल के लिए उनके उनकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है दोस्तों। ये है। और जैसे कि मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन और दिखा देता हूँ जो BA प्रोग्राम का है। ये देखिए दोस्तों, ये है BA प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन डिटेल। इनका ड्यूरेशन वैलिड था जून 18 तक। देखिए देखिए, जून 18
वाले जो भी स्टूडेंट है बैचलर डिग्री प्रोग्राम के, जो भी हैं BA और BDP के, जो भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उन वो कृपया ध्यान दें कि जून 18 में जिनका ख़त्म हो गया है वो अब उनको एक अटेम्प्ट मिलने वाला है, क्योंकि जून 18 से अगर 2 साल जोड़ा जाए तो जून 20 तक ही वैलिड रह जाता है। तो जून 20 में उनको लास्ट अटेम्प्ट मिलेगा। अभी रीएडमिशन आज से शुरू हो जाएगा, तो वो रीएडमिशन करा के जो भी बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो एक बार में कंप्लीट कर लें अपना जून 20 का अटेम्प्ट दे के, नहीं तो उनको आगे कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी, उनका फिर से भी उनको एडमिशन लेके करना पड़ेगा। ये BA स्टूडेंट्स के लिए ये खासकर ये है। तो दोस्तों ये आपको यही सिर्फ ध्यान देना है कि जब आपका ख़त्म हो ड्यूरेशन, वो उसके बाद ही तुरंत आप नेक्स्ट रीएडमिशन जब शुरू हो आप रीएडमिशन ले लें। दोस्तों अब मैं फॉर्म दिखाऊंगा जो आपको फॉर्म भरना है। अगर और भी कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। अपना इनरोलमेंट नंबर बता दोगे तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा आपको रीएडमिशन लोगे कब तक आपका वैलिड हो जाएगा, तो वो सब सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। अभी मैं आपको फॉर्म दिखाने जा रहा हूँ, फॉर्म पे कैसे भरना है, कैसे क्या फीस रहेगी, वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा। ये है दोस्तों रीएडमिशन का फॉर्म। ये डेट्स फॉर सबमिशन, ये 2 बार होता है रीएडमिशन शुरू होती है। एक पहला ऊपर जैसे दिया है 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक चलता है, और 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक चलता है। तो सर, तो दोस्तों ये देखो कल है आपका, सॉरी आपका आज है 1 फरवरी, 1 फरवरी से आपका शुरू होने वाला है ये, 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक चलेगा। तो आपको इसी के बीच आपको रीएडमिशन ले लेना है आपका। ये केवल है मास्टर, ये MBA और MPBB को छोड़ के है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, आप कैसे भरना है ये सारा फॉर्म, आपको आपका नेम और एड्रेस में डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्रोग्राम कोड। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है कि जो आपका रजिस्टर वही डालें, अगर आपका कोई और अगर मोबाइल नंबर बदल गया, ईमेल आईडी तो बदलता नहीं है, मोबाइल नंबर अगर बदल गया तो आप नया वाला डाल लीजिएगा, जो आपका करंट वर्किंग मोबाइल नंबर हो वो जरूर वही डालिएगा, ताकि कोई अगर डिस्क्रिपेंसी आई फॉर्म में तो आपको इन्फॉर्म कर सके फ़ोन के द्वारा। तो इसमें अपना प्रोग्राम कोड डालना है, BDA BDP जो भी है आपका, BSc जो भी है वो डालेंगे, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर डालिएगा, अपना रीजनल सेंटर डालिएगा, स्टडी सेंटर कोड डालिएगा, और ये 6 वाले कॉलम में आपको डालना है सीरियल नंबर, 1-2 दिन डालेंगे। अपना कोर्स कोड जो नॉट कम्प्लीटेड है उसको भरना होता है, इसमें जो नॉट कम्प्लीटेड ध्यान रखना, आप उस कोड को बहुत ध्यान से मेंशन करिएगा, और उनके सामने उनका जो क्रेडिट्स हैं कितने क्रेडिट के हैं वो उसको ध्यान से मेंशन करिएगा। कोर्स फ़ी मैं अभी प्रो डाटा फ़ी का एक लिस्ट दिखाऊंगा, उसमें से देख के आपको भरना है। इसमें 2-3 जो भी सब्जेक्ट होगा उसका कोर्स कोड भरना है, उसको क्रेडिट के हिसाब से उसकी फ़ीस यहाँ लिखनी है, टोटल जोड़ के यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और डिटेल ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन फॉर द मिस्ड ईयर, जैसे कि दोस्तों आपका कोई भी 1 साल मिस हो गया है, जैसे 2 साल में BA, खासकर आपका BA और मास्टर का मैं बता रहा हूँ, बैचलर और मास्टर के, जैसे कि आप 1 ही साल इनरोल्ड हैं, और या बैचलर में 2 साल के लिए इनरोल्ड है, 1 साल मिस हो रहा है आपका, तो दोस्तों उसको आप री एडमिशन के साथ उसका इनरोलमेंट कर सकते हैं 3rd ईयर का, या 2nd ईयर का मास्टर है तो उसमें इसकी डिटेल डालनी है, और उनका भी रीएडमिशन लेना होता है। ये थोड़ा सा पेचीदा है, अगर इसका ऐसा केस किसी का है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लेंगे, इनरोलमेंट नंबर बताएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कैसे क्या करना है। तो दोस्तों ये इसमें उसकी डिटेल डालनी होती है, या कोई आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो इसमें उसकी डिटेल डाल सकते हैं कि मुझे इस कोर्स से इस कोर्स करना है, उसकी फ़ीस यहाँ पे भरनी होगी। अदरवाइज़ इसको ब्लैंक छोड़ देना है, अगर आपका ऐसा केस नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, अपना यही जो नॉट कम्प्लीट है ऊपर भरिएगा, ठीक है दोस्तों। दोनों का अमाउंट जोड़ के, अगर इसमें अमाउंट नहीं है तो 0 है, यहीं वाला अमाउंट 6 नंबर कॉलम का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, 6+7 में यहाँ पे DD नंबर भरना पड़ेगा आपको, जो आप DD इशू करवाएंगे बैंक से उसमें आपको अपना यहाँ DD नंबर डाल देना है, ठीक है। DD किसके नाम पे बनेगी ये नीचे दिया है, DD शुड बी ड्रॉन फेवर ऑफ इग्नू पेबल एट न्यू दिल्ली, तो आप DD इग्नू के नाम पे बनाएंगे, पेबल एट न्यू दिल्ली रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना डेट डाल दीजिएगा, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा।
और ये भेजना कहाँ पे है, ये एड्रेस प्रॉपर यहाँ पे लिखा गया है, इसी एड्रेस को आप अपने लिफाफे के ऊपर लिखिएगा, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजिएगा। इसकी इस फॉर्म की कॉपी और डीडी की फ़ोटो कॉपी अपने पास ज़रूर रखिएगा, और जो आप स्पीड पोस्ट करेंगे उसका भी रिसिप्ट ज़रूर रखिएगा ताकि आगे काम आ सके आपका। बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप उसको क्लियरली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा है 6 मंथ मिलता है सर्टिफिकेट के लिए, 1 ईयर मिलता है आपका पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और सॉरी डिप्लोमा के लिए। जो आपका BLIS MLIS प्रोग्राम है जो कोलेबोरेशन के थ्रू है, जो जो बैचलर मास्टर, वो उनके लिए 1 ही साल मिलता है, इसमें दिया हुआ है 2 ईयर्स मिलता है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, ठीक है दोस्तों। बाकी और सब सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें, इसको आप क्लियरली पढ़ लीजिएगा। अब आता है प्रो डाटा फीस, फीस कैसे आपको करना है वो, इसमें रीएडमिशन कैसे चेक करना है वो भी इसमें दिया हुआ है। बाकी अभी मैं इस वीडियो के बाद बताने वाला हूँ कैसे आप वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे। आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल में ये नहीं दिखाता है कि कैसे रीएडमिशन का स्टेटस चेक करना है, मेरा रीएडमिशन हो चुका है तो मैं इसको भी बाद में बता दूंगा। और यहाँ से इंस्ट्रक्शन भी दिया है, लास्ट में आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो अभी मैं बताने वाला हूँ आगे प्रो डाटा फीस कैसे देखनी है आपको। ये दोस्तों प्रो डाटा फीस, जैसे कि आपका MAG प्रोग्राम है मास्टर में, उसकी प्रो डाटा फीस इसमें आगे दी हुई देखिए, 1350 रुपये, 1350 रुपीज़ पर 8 क्रेडिट है। तो जैसे कि आपका 2 है तो 1350 प्लस 1350, 2 नॉट कम्प्लीटेड है उनके लिए ये फीस रहेगी, 2 के लिए दोनों जोड़ के एक ही में DD बनाना पड़ेगा, कंबाइन में DD बनाइएगा, ऐसे 3-4 हैं तो अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं। सब की प्रो डाटा फीस यहाँ पर लिखी हुई है क्रेडिट वाइज, आराम से देख के पूरा जोड़ के फीस फिर DD बनाइएगा। और बैचलर डिग्री के लिए सभी के लिए सर्टिफिकेट, मास्टर डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, सभी के लिए यहाँ पे फीस दी हुई है, जो भी जिसका प्रोग्राम है उस हिसाब से अपना DD बनवाइएगा देख के यहाँ पे प्रो डाटा फीस, ठीक है दोस्तों। और मैं यहाँ नीचे दिया हुआ है सबसे, जो आपका BA BCOM BSc या BTS के स्टूडेंट हैं जो, उनके लिए यहाँ पे फीस दी है 850 पर कोर्स, 850 पर कोर्स, कोई भी कितने भी क्रेडिट का, दो एक दो क्रेडिट, 4 क्रेडिट, 3 क्रेडिट जो भी है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए 850 पर कोर्स ही रहेगा, ठीक है। वो सभी के लिए 850 पर कोर्स नॉट कम्प्लीट के लिए रहेगा। और जो BCA और MCA हैं रिवाइज सिलेबस के लिए, यहाँ पे फीस दिया हुआ है 1 क्रेडिट का कितना है, 2 क्रेडिट का कितना है, 3 क्रेडिट का कितना है, यहाँ से प्रॉपर देख के उसको फिर अपना DD बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। और बस यही था इस वीडियो में, और आगे मैं आपको बता दूं कैसे आपका रीएडमिशन स्टेटस चेक करना है दोस्तों। रीएडमिशन का स्टेटस चेक करने के लिए आप इग्नू की वेबसाइट ओपन करिएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट जोन में जाएंगे, स्टूडेंट सपोर्ट से स्टूडेंट जोन में जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो नेक्स्ट विंडो खुलेगी, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एडमिशन का दिया है, ये एडमिशन यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी, फिर आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद ये नीचे से थर्ड नंबर पे चेक रीएडमिशन क्रेडिट ट्रांसफ़र स्टेटस, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर का देखिए रीएडमिशन, रीएडमिशन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से ये पेज खुलेगा अपना, इसमें इनरोलमेंट नंबर डाल के अपना आप चेक कर सकते हो रीएडमिशन कैसे। इसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा सभी का, जो भी फॉर्म है, प्रो डाटा फीस है, सबका मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जा सकते हैं, वहां से जाके अपनी सारी चीज़ें चेक कर पाएंगे आप आराम से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और वहां से डायरेक्ट लिंक से भी जा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो, आप कमेंट के द्वारा, ईमेल के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन ना रखें, जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जवाब ज़रूर मिलेगा। 2 महीने चलने वाला है रीएडमिशन, कोई भी किसी भी प्रकार का आपका कन्फ्यूजन हो उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा, फिर उसके बाद ही अपना ये अप्लाई करिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।